नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी की मोटिवेशनल प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट। इफ यू कैन चेंज योर हैबिट देन बिलीव डेफिनेटली यू कैन चेंज योर फ्यूचर। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और विश्वास कीजिए, यदि आपकी आदतें बदलती हैं तो आपकी आदतें आपके भविष्य को भी बदल सकती हैं। अब ये बात और है कि आदतों को आपकी सही दिशा में बदलाव होने की जो है अपेक्षा होती है। आप अगर देश की 135 करोड़ जनसंख्या में जो है शामिल हैं और फिर भी आपके चेहरे, आपके व्यक्तित्व और आपके आवाज लोगों से नहीं मिलते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप यकीन मानिए अगर आप दुनिया के रंगमंच पर एक अद्वितीय कर्मयोगी हैं, जहां पर अपने आप किरदार को जो है प्रदर्शित करके दुनिया में जो है उन बुलंदियों को जो है छू सकते हैं जिसे आप अपने अभिलाषा के रूप में मन में रखे हुए हैं और दूसरे लोगों के जो सफलता के रूप में जो है देखते हैं। आपके जिंदगी में जो है कभी ना कभी ये पहल होना जरूरी है कि हमें करना क्या है, और जो करना है उसके लिए मेहनत और ईमानदारी का होना जो है बहुत ही जरूरी है। यदि आप मेहनत और ईमानदारी को अपनाते हैं और उसके माध्यम से सही तरीके से चुने हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उन बुलंदियों तक पहुंचने से आपको नहीं रोक सकती है जिसे आप अपने मन में संजो करके रखे हैं और दुनिया के उन तमाम लोगों की सफलता में जो उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर तीन चीजें जो निकल करके आप लोगों के सामने आती है, एक तो लक्ष्य है, दूसरा जो है मेहनत है, और तीसरी चीज है ईमानदारी। इन तीनों ही शब्दों को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाने के दौरान इसकी व्याख्या भी किया गया है, लेकिन इसे आज पहली बार एक क्लास के रूप में, एक लेक्चर के रूप में जो है कंपाइल करने का जो प्रयास किया जा रहा है और आपके मन में एक भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर प्रसुप्त अवस्था में आपके अंदर किसी लक्ष्य को पाने की जो है मनसा है, चाहत है, इच्छा है, तो निश्चित तौर पर आप उठिए और उसे जो प्राप्त करने का जो प्रयास कीजिए। कहते हैं कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, बस एक बार चलने का हौसला तो कीजिए। कई बार ऐसे मुसाफिरों के रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो लक्ष्य का जो निर्धारण यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लक्ष्य हमेशा जो है आपकी योग्यता, आपकी रुचि, आपकी क्षमता के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण आपकी रुचि, अगर किसी विषय में आपकी रुचि नहीं है और किसी के दबाव में आकर के आप किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आप वहां पर जो है सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपका लक्ष्य जो है हमेशा आपके रुचि, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता पर जो है आधारित और निर्भर होना चाहिए। और यदि किसी फील्ड में आपकी रुचि है तो आप सोते समय, आप जगते समय, आप बैठते समय, आप बातचीत करते समय भी उसके बारे में सोच सकते हैं और वहां पर एक बेहतर प्रगति कर सकते हैं, और प्रगति करते करते आप उन बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं जो कि उस लक्ष्य के लिए जो है जरूरी होता है। तो लक्ष्य का निर्धारण आपके लिए तीन बातों के आधार पर होना चाहिए, एक तो मेहनत, एक तो योग्यता के आधार पर, दूसरा आपकी क्षमता के आधार पर, और तीसरी आपकी रुचि के आधार पर। इन तीनों ही बातों के आधार पर आप अपने जो लक्ष्य का जो निर्धारण कीजिए, और ईमानदारी तथा मेहनत, ये दोनों फैक्टर्स को भी मैं इसमें जोड़ रहा हूं, इसके आधार पर उस लक्ष्य को पाने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली आप वहां पर जरूर पहुंचेंगे। मेहनत का तात्पर्य है, मेहनत स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट लेबर की जरूरत है। मेहनत करने से कोई अर्थ नहीं है, आपका डायरेक्शन गलत हो सकता है और आपके लाइफ में जो है अगर किसी लक्ष्य पर आप पहुंचना चाहते हैं तो दो रास्ते, एक गलत है एक सही है। अगर आप गलत रास्ते पर जाते हैं तो कितना भी मेहनत आप क्यों ना करें उस मेहनत का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए एक सही दिशा में आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपकी लेबर स्मार्ट होनी चाहिए, आपकी जो मेहनत है वो मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। इस आधार पर आपको मेहनत करना, हमें क्या पढ़ रहा है ये जानने से इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपके पास जो है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पाठ्य सामग्री है वो आपके पास सिलेबस के रूप में आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस का अध्ययन होना चाहिए और उसके आधार पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मेहनत आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और मेहनत स्मार्ट लेबर पर जो है आधारित होना चाहिए। ईमानदारी शब्द, ईमानदारी का तात्पर्य कभी केवल झूठ बोलने से नहीं है, आप प्रिपरेशन में हैं तो वहां पर ईमानदारी से तात्पर्य यह है कि दिन भर जो आपने अध्ययन किया हुआ है उस अध्ययनोपरांत आपको यह प्रतीत होना चाहिए हमें अपने सिलेबस और अपने पाठ्यक्रम से कुछ प्राप्तियां हो रही हैं, यानी कि कल जो हम थे आज उससे हमारी स्थिति बेहतर है,
सुबह जो हम थे उससे हमारी स्थिति शाम को बेहतर है, इसका मूल्यांकन केवल और केवल आप कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्य, मेहनत और ईमानदारी, ये तीनों ही फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और इन तीनों ही जो है चीजों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। आपकी दिशा बेहतर होना चाहिए, आप मेहनत होनी चाहिए, लक्ष्य को पाने से कोई भी व्यक्ति जो है रोक नहीं सकता। अगर आपके इरादे जो है नेक और मजबूत हैं तो देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं, ये आपके जीवन में जो है चरितार्थ होकर के रहेगा। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत और ईमानदारी के इन दो ही ध्रुवों में विश्वास करते हैं और इसके आधार पर आगे बढ़ने का जो प्रयास करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक और भी संदेश देना चाहूंगा कि लाइफ में कभी सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट से अपनाई गई सफलता केवल क्षणिक हो सकती है, टेम्पररी हो सकती है। अगर जिंदगी में अस्थायी सफलता को प्राप्त करना है तो मेहनत ईमानदारी के रास्ते से होकर के गुजरने का प्रयास कीजिए, और अगर आप मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आप बेहतर प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आपको मेहनत करना चाहिए क्योंकि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है और कराने में हम आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इन पिंक फिल्म की दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को जो है विराम देना चाहता हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, ये तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ नहीं इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश।